आज मैं लोकगीत और वर्गीकरण एवं विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। लोक साहित्य की विधाएं, शिष्ट साहित्य को जिस गद्य और पद्य इन दो विभागों में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार लोक साहित्य को भी गद्य और पद्य इन दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। किंतु थोड़ा अंतर इस रूप में है कि लोक साहित्य में शिष्ट साहित्य की भांति अनेक विधाएँ मिलती ही नहीं। उदाहरण के लिए शिष्ट साहित्य में उपलब्ध उपन्यास, एकांकी, संस्मरण, रेखाचित्र आदि अधुनातन गद्य विधाएं नहीं मिलती। लोक साहित्य में तो गद्य के नाम पर या तो लोक कथाओं को मान सकते हैं अथवा प्रकीर्ण साहित्य के अंतर्गत आने वाले मुहावरों को। इनके अतिरिक्त अधिकांश वांग्मय पद्यबद्ध भी होता है। शिष्ट साहित्य में काव्य के कितने भेद हैं, ने प्रबंध और मुक्तक होते हैं, उतने भेद लोक साहित्य में भी प्राप्त होते हैं। अंतर इतना है कि लोक साहित्य में इसके पृथक पृथक नाम हैं, अर्थात लोक गाथा प्रबंध के लिए, लोकगीत मुक्तक के लिए पुकारा जाता है। एक विशेष बात यह है कि प्रतिष्ठित साहित्य में नाटक गद्य रूप में ही होते हैं, और जबकि लोक साहित्य के अंतर्गत प्राप्त नाट्य रूप में प्रबंध पद्यबद्ध होते हैं। शिष्ट साहित्य के अंतर्गत लघु आकारी कार्य काव्य रूपों के लिए पृथकता निर्धारित नहीं है। शिष्ट साहित्य के अंतर्गत आकारी काव्य रूपों के लिए पृथक विधा निर्धारित नहीं है। इसी कारण से लोकोक्तियों के और मुहावरों जैसे लोक साहित्य में साहित्य रूप में प्रतिनिष्ठित साहित्य में नहीं मिलती हैं। विधाओं विषयक लोक और प्रतिनिष्ठित साहित्य के संबंध में इस प्रकार से पार्थक्य भेदक विश्लेषण के उपरांत लोक साहित्य को विधाओं का परिचय निम्न रूप से दिया जाता है। इनमें से प्रत्येक विधा का संक्षिप्त परिचय, इन विधाओं से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर इस अध्ययन में विचार किया जाएगा कि अंतिम विधा कोई एक विधा विशेष नहीं है, अपितु इस प्रकार के लघु आकारी अभिव्यक्ति विविध रूपों का ही एक वर्ग निर्धारित कर दिया गया है। एक विशेष बात इस संबंध में है कि इस वर्ग का नाम किसी विद्वान ने स्फुट, किसी ने लोक सुभाषित आदि अवश्य रखा है, किंतु विभिन्न नामों में पुकारने के तत्पश्चात उन्हीं साहित्य रूपों को इस वर्ग में समाविष्ट किया गया है जो लघु आकारी और ऊपर के चारों वर्गों में नहीं आ पाते। लोकगीत शब्द अंग्रेजी के फॉक सॉन्ग का पर्याय रूप माना गया है। यह फॉक सॉन्ग जर्मनी के वॉल्क शब्द का मूल रूपांतर है। जहाँ तक लोकगीत की परिभाषा का प्रश्न है, हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि लोक में प्रचलित, लोक द्वारा रचित और लोक के लिए लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जाता है। इस प्रकार रचनाकार अपने व्यक्तित्व को लोक समर्पित कर देता है, इसलिए इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में नाम व्यक्तिहीन रचना को परंपरा के प्रभाव में पड़ने वाला गीत लोकगीत कहा है। इस तथ्य का उद्घाटन इन विद्वानों ने भी किया है, और जिसमें से लोकगीतों को स्वतः प्रसूत और असभ्य असभ्य मानस की उपज बताया गया है। श्री कुब्ज बिहारी दास की परिभाषा प्रस्तुत है। लोकगीत उन गीतों लोकों के जीवन की अनायास प्रभावात्मकता की अभिव्यक्ति है जो सुसंस्कृत सुसभ्य प्रभावों से बाहर रहकर कम या अधिक रूप में आदिम व्यवस्था में निवास करते रहते हैं। इसी प्रसंग में डॉक्टर सदाशिव कृष्ण फकड़े की परिभाषा को भी दृष्टिकृत किया जा सकता है कि जिन्होंने लोकगीतों को लोकमानव के तरंगायित रूप में निस्तृत काव्य रूप माना है। शास्त्रीय नियमों की विशेष प्रभाव न करके सामान्य लोक व्यवहार में उपयोग में लाने के लिए मानव अपने आनंद के रंग में जो छंदोमय वाणी साहस उद्भूत करता है, वही लोकगीत है। परिभाषा प्रस्तुत करने के उपरांत लोकगीत शब्द के तीन अर्थ हो सकते हैं, लोक में प्रचलित गीत, लोक सर्जित गीत तथा लोक विषय गीत। कहने का तात्पर्य है कि लोक में प्रचलित लोकगीत ही वस्तुतः लोकगीत कहे जाने चाहिए, फिर भी लोकमानव से तादाम्य स्थापित करके एक व्यक्ति विहीन कविता की सृष्टि करना यह सिद्ध करता है कि उसमें एक व्यक्तित्व के स्थान पर लोक व्यक्तित्व की प्रति छाया होती है। इसलिए समस्त जनसमूह लोक में अपनी रचना मानने लगता है और वही लोक गीत लोक का गीत हो जाता है। मौखिक परंपरा के प्रभाव में होकर के घिसपिट कर जिस रूप में हमें प्राप्त होता है उसे लोक को ही सृष्टि कहा जा सकता है। इसलिए लोकगीतों में निम्नलिखित तत्वों का समावेश रहता है, लोक मानस की लयात्मकता अभिव्यक्ति, लोक की स्वेच्छा और स्वतः स्फूर्तिजन्य अभिव्यक्ति, लोक जीवन का प्रतिबिंब प्रस्तुत करने वाली अभिव्यक्ति, लोक के लिए सौकार की सवाराधृत अभिव्यक्ति। लोकगीत की परिभाषा, लोकगीत की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए प्रसी ने लिखा है, दिस प्रिमिटिव स्पॉन्टेसियस
म्यूजिक हैज बीन कॉल्ड फॉक सॉन्ग। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि मानव चाहे सभ्य हो या असभ्य, उसमें अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करने की इच्छा और क्षमता अवश्य होती है। आदिम भी स्वानुभूति से प्रेरित होकर जब कभी सुख अथवा दुख की संवेदना में आंदोलित होता हुआ, तभी लोकगीतों की स्वधारा उसके कंठ पर लहरा उठी होगी और वह स्वधारा लयबद्ध होकर निकलती होगी और गीत के स्वरूप धारण कर लेती होगी। लोकगीतों के उद्गम के संबंध में श्री देवेंद्र सत्यार्थी ने विचार प्रस्तुत किए हैं। कहाँ से आते हैं इतने गीत, स्मरण विस्मरण वर्ण की आँख मिचोली से, कुछ अट्ठास से, कुछ उदास हृदय से, कहाँ से आते हैं इतने गीत, जीवन के खेत में उगते हैं ये सब गीत। कल्पना भी अपना करती है और रसवृत्ति भावना भी नृत्य का हिलोरा भी करती है और खाद्य और सब जीवन के सुख और दुख हैं वही लोकगीत के बीज हैं। लोकगीतों का संबंध लोकगीत लोक जीवन के सुख और दुख से है, जिसमें से जनजीवन के भाव अभिव्यक्ति होती हैं। लोकगीतों के विकास और उन्हें पिरोए हुए भावों की विस्तृत परिधि का चर्चा करते हुए डॉक्टर श्याम परमार ने लिखा है, गीतों के प्रारंभ के प्रति एक संभावना हमारे पास है और उसके अंत की कोई भी संकल्पना नहीं है। वह धारा और उसमें छोटी छोटी धाराओं से मिलकर के सागर की तरह गंभीर बना दिया है। सदियों से घात प्रतिघातों ने बाने बुने हैं और स्त्री पुरुष ने थककर माधुरी से अपनी थकान मिटाई है। इतनी ध्वनि में बालक सोए हैं, जवानों में प्रेम की मस्ती है, बूढ़ों के मन में बहलाए और बैरागियों ने उपदेशों का पान कराया, बिहारी युवकों ने मन की करस मिटाई, विधवाओं ने अपने एकाकी जीवन में रस पाया, पथिकों की थकावटें दूर की, किसानों में बड़े बड़े खेत जोते और मजदूरों में विशाल भवनों को पत्थर चढ़ाए, मौजों से चुटकुले छोड़े। सृष्टि के अधिकार में सामाजिक चेतना के साथ लोकगीत का उदय हुआ, जिसका संबंध जनजीवन से था। धीरे धीरे मानव में ज्ञान का विकास हुआ, उसे लयबद्ध वाणी लोककंठ का आश्रय पाकर लोकगीत बनी है और इस संबंध में सूर्य करण पारिक के विचार दृष्टि हुए हैं। आदिम मनुष्य हृदय के गानों पर नाम लोकगीत है। मानव जीवन की उसमें उल्लास की, उसकी उमंगों की, उसकी करुणा और उसकी स्पंदन की समस्त दुख सुख की कहानी इसमें चित्रित है। मानव में संगठन और सामाजिकता की भावना के उदय के साथ लोकगीतों का विकास हुआ है, उसके भावों में परिधि का विस्तार हुआ है। मानव के आदिकालीन गीतों में मानव की सामूहिक भावनाएं अभिव्यक्त हुई हैं। विभिन्न ऋतुपर्व उत्सवों पर गाए जाने वाले गीत मानव के ज्ञान के विकास में उल्लास, सहर्ष और सामूहिकता की कहानी है। लोकगीतों की विशेषता, लोकगीतों का लक्षण परिभाषा विषय सामान्य परिचय पिछले अध्याय में दिया जा चुका है, फिर भी इस विषय पर विस्तारपूर्वक विवेचन करना उचित प्रतीत होगा, क्योंकि गीतों के लोकगीतों के तुलनात्मक अध्ययन करके ऐसी विशेषताएं परिचय देना आवश्यक है और जिनके आधार पर लोकगीतों के शिष्ट और परिनिष्ठ रीतियों के पृथक रूप में जाना जा सके और लोकगीतों को नैसर्गिकता के लिए जाना जाता था। ऐसी मान्यता है डॉक्टर श्याम परमार की कि गीतों में विज्ञान की तराश नहीं, मानव संस्कृति का सारलभ्य और व्यापक भावों का उभार है। भावों की लड़ियाँ लंबे लंबे खेतों में स्वच्छ और पैरों की नंगी डालों की तरह अनगढ़ और मिट्टी की भांति की तरह सत्य है। लोकगीतों में उनमें प्राप्त सहजता, रसमयता, मधुरता आदि गुणों के लिए माना जाना जाता है। इस प्रकार से गीतों के कोई सांस सवार नहीं होता है। लोक छवि के कंठ से सहज रूप में स्फुरित होकर कारण ही छंद, अलंकार, वक्रोक्ति, चमत्कार आदि के लिए लोकगीतों में कोई स्थान नहीं है। उसकी सहजता और प्राकृतिक उन्मेष में संबंध में राम नरेश त्रिपाठी ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। ग्राम गीत प्रतीक के उद्गार हैं, इसमें अलंकार नहीं है, केवल रस छंद नहीं, केवल लय है, लयातिथ्य नहीं, केवल माधुर्य है। ग्रामीण मनुष्यों के स्त्री पुरुषों के मध्य में हृदय नामक आसन पर बैठकर प्रकृति गान करती है। प्रकृति के वे गान ग्राम गीत हैं और यही लोकगीत माना जाता है। त्रिपाठी के अनुसार है कि ग्राम गीत शब्द में लोकगीत के पर्याय रूप में ग्रहित और इसके संबंध में अंतित विचार प्रस्तुत हो चुके हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल ने लोकगीत के बारे में कहा है कि लोकगीतों से प्राप्त रसकला से मुक्त होकर निम्न विचार प्रस्तुत कर रहे हैं कि नीले आकाश के नीचे प्रकृति की बहुरंगी परिवर्तित तन युक्त और शांति में जीवन के चित्र और विधाता की स्त्री सहजक सरहस्यमय सृष्टि की मानवीय संवेदना और प्रसाद विषाद में छाया से इन गीतों का प्रधान विषय है, जो सतकोटि की किलकारी वायु में भरे हुए चिंतन और स्वर को तरह से सर्वत्र सुनाई देती है। गीत मानो कभी न सींचने वाले रस के सोते हैं और जो कंठों से सहस्त्रों बार गाए जाने वाले और पुराने नहीं होते हैं। वो कंठ में गाए जाने वाले जो गीत हृदय को आनंदित करते हैं वही लोकगीत हैं। लोकगीतों में लोक संस्कृति का चित्रण भी अवश्यंभावी है और इसलिए लोकगीतों में संबंध में यह विचार भी इस रूप में कर लेना चाहिए कि लोक संस्कृति की विवृति भी इनकी एक आवश्यक
विशेषता होती है। संस्कृति का उचित आख्यान करने की इसी प्रधान विशेषता पर बल देते हुए देवेंद्र सत्यार्थी ने लोकगीतों के विषय में यह सारभर्ती वाक्य लिखा है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह से बोलते चित्र हैं। अब लोकगीत में शिष्ट गीत के बारे में भी है, तो श्याम परमार ने बताया है कि गीत लोकगीत भी होते हैं, साहित्य भी होते हैं। गीतों के निर्माता अपना नाम प्राय अव्यक्त रखते हैं, कुछ के नाम तो व्यक्त होते हैं और कुछ उसको अदृश्य रखते हैं। लोग भावना से अपने भाव हिला देते हैं और भाव मिला देते हैं, और लोकगीतों में होता तो निजीपन है किंतु साधारणीकरण और सामान्यता कुछ अधिक होता है। तभी वे वैदिक रस की अपेक्षा जनरस उत्पन्न कर सकते हैं। साहित्यिक गीतों में निर्माता का निजीपन अधिक रहता है।